महानगर की यातायात व्यवस्था सुधारने संबंधित बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विशेष रूप से एडीजी जोन अखिल कुमार मौजूद रहे। इसके अलावा जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, डीआईजी राजेश डी मोदक, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, आरटीओ अनिता सिंह व नगर निगम पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने आरटीओ परिवहन को निर्देशित किया कि जो ऑटो देहात के परमिट वाले हैं वह शहर में प्रवेश न करें। यदि देहात के परमिट वाले ऑटो शहर में प्रवेश करते हुए पाए गए तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि रामगढ़ताल प्राणी उद्यान, एम्स, एयरपोर्ट सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था को बेहतर किया जाए तथा ठेले खोमचे वालों को चिन्हित करते हुए वेंडर जोन बनाकर स्थापित किया जाए। एनएच एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क चौड़ीकरण में बन रहे डिवाइडरों में जगह जगह पर कट न बनाए जाए, जिला प्रशासन की स्वीकृति लेकर ही कट बनाया जाए। उन्होंने एसपी ट्रैफिक को निर्देश दिए कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए जो भी आवश्यक कदम हो उठाया जाए। जिलाधिकारी द्वारा यातायात व्यवस्था सुधार के संबंध में निर्देश दिए गए कि कुछ स्थानों पर विद्युत खंभों, पेड़, पाइपलाइन, केबल और निर्माण सामग्री आदि पड़े रहने के कारण नियमित रूप से होने वाले जाम की समस्या के निराकरण हेतु संबंधित विभाग वहां से हटाकर निर्धारित स्थल पर विस्थापित करे ताकि विस्थापन सुधार समस्त कार्य बाधा रहित संपादित हो एवं जनमानस को आवागमन में कोई असुविधा न होने पाए। बैठक में एडीजी जोन अखिल कुमार ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि चौराहों पर जाम लगता है या शहर के अंदर देहात के ऑटो प्रवेश करते हैं तो संबंधित चौकी इंचार्ज की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके अलावा जाम स्थल के पास ऐसे वाहन जो अनुचित रूप से खड़े किए जाते हैं उनको क्रेन से हटवाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, आज की इस बैठक में एडीजी जोन साहब का मैं स्वागत करता हूं। सर को धन्यवाद देता हूं कि सर ने आज हम लोग को बहुत ही संवेदनशील प्रकरण पर हम लोग को टाइम दिया है। सर के मार्गदर्शन का और अनुभव का फायदा उठाते हुए यहाँ की चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। सर, जैसा कि आपको पता है कि ट्रैफिक सर जो है गोरखपुर की पॉपुलेशन यदि लास्ट 3-4 साल में देखें नगर निगम एरिया की सर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे सरप्राइजिंग जो फैक्ट है सर वो ये है कि दिन की पॉपुलेशन और रात की पॉपुलेशन में गैप है। पिछले 6 महीने में सर, 6 से 7 महीने में, इनफैक्ट मैं ज़्यादा ही टाइम दे रहा हूँ, 2-4 सर इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, जैसे कि सर प्राणी उद्यान है और वो सर अपने आप को बड़ा यूनिक एक एडिशन होने जा रहा है जिसमें वेटलैंड भी है। सर एम्स अभी जो चल रहा है सर, एम्स फुलफ्लेज नहीं चल रहा है, लेकिन 720 बेड की आईपीडी होने जा रही है सर एंड 720 बेड की आईपीडी से सर आप आज मतलब कम से कम सर यहाँ के 15 जनपद, नेपाल के भी 2 जनपदों और बिहार के भी 3 जनपदों को मैं ले आता हूँ, उनको सर कैटर करेगा। होने की बात जुलाई से है सर, उसमें सर कानिक होंगे और वो टाउनशिप सेटअप होगी और कम से कम जितना जिलाधिकारी महोदय इधर बता पाएंगे मेरे हिसाब से 500 से कम यहाँ पर सर छोटे बड़े डायग्नोस्टिक और नर्सिंग होम होंगे। और इसके सर दिन के समय मतलब गोरखपुर जनपद के अलावा भी बाहर से भी बहुत लोग आते हैं और ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ही सर चरमरा सी गई है। नए एसपी ट्रैफिक साहब ने ज्वाइन किया और मेरी आशा है कि वो एसपी सिटी और पूरी टीम हम लोग मिलकर काम करेंगे, बट अपना अपना रोल निभाएं। तो इसमें सर प्रारंभिक काफ़ी आ जाएंगे और फिर आज चौक पॉइंट्स हैं कहाँ पर किस एजेंसी की जरूरत है वो हमें बता दें। अभी सर अभी तो मोर देन डबल विदिन 10 ईयर्स और अभी हाल ही में विकास ऑफ सीएम बहुत सारे प्रोजेक्ट आई है सर उस पर और पहले एग्जिस्टिंग सर यहाँ सिनेरियो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग और इकोनॉमिक प्रोफाइलिंग खासतौर पर गोरखपुर का देखेंगे। इसमें सर जो पहले गोरखपुर में 2 यूनिवर्सिटी था, मदन मोहन मालविया और यहाँ जो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, और उसके अलावा जो मेडिकल करीब 500 मेडिकल नर्सिंग होम्स था। गोरखपुर रेलवे स्टेशन था, पहले से ही बड़ा रेलवे स्टेशन था, उस समय में एयरपोर्ट का स्थिति भी नहीं था। अभी पिछले 3-4 साल में सर बहुत सारे एडवांस हो गया है, खासतौर पर सर रेलवे एक रेलवे तो पहले ही है, अभी एयरपोर्ट में अभी नो फ्लाइट की वजह से सर वहाँ भी भीड़भाड़ हो गया, एक तरफ से नया एडवांस है। उसके बाद सर फिर सामने सर बहुत सारे प्रोजेक्ट नाम लिए हैं, वैसे रामगढ़ ताल पहले इतने अट्रैक्टिव पॉइंट नहीं था, फिर रामगढ़ ताल हो गया। 3800 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, नॉट मोर देन 200-300 जो हैवी व्हीकल्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम जुलाई उस पर सर।
उसके अलावा सर एम्स का सामने नाम भी है 720 बेड का है सर। अभी यदि हम भर्ती भी शुरू कर रहे हैं, फिलहाल ओपीडी चल रहा था, यदि आईपीडी भी शुरू होगा तो 720 इनको हम बुरा कहेंगे सर, तो देन हार्डली मतलब सर 2000 to 3000 लोग पर डे जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन सर वो रहेंगे। उसके अलावा सर भर्ती वाले पॉपुलेशन भी रहेंगे, यानी वी कैन एक्सपेक्ट 5000 to 10000 एक ही पैकेट में। पीपीएन के लिए थे सर, और पीपीएन तो हम लोग गए थे सर अभी हाल ही में, वो भी तो गिरी का परव्यू में लाया हम लोग, सो दैट सर सैटेलाइट टाउनशिप को डेवलप हो गया। मेरा बाजार है सर तो चोरी चोरा का जो बना, बिकॉज इसका सर काउंटर माइग्रेट इफेक्ट के लिए तो ये सैटेलाइट टाउन टाइप का मैंने फिर भी कर लिया। फ्यूचर में जीडीए का एक तो कोरोबर में एक प्रोजेक्ट है सर होने वाले हैं, और गीरा का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट 200 एकड़ में होने वाले हैं, एक लॉन्ग रन बट विल टेक मिनिमम 2 to 3 years जो उसका असर पड़ लेंगे, और अलग टाउनशिप डेवलप होकर के माहौल होगा फिर तो वहाँ लोग वहीं रुकेंगे रेदर देन यहाँ आने का। देखिए ट्रैफिक में आज कमिश्नर साहब से के अध्यक्षता में एक मीटिंग कराई गई है जिसमें कई विभाग के अधिकारी थे, चूँकि एक ट्रैफिक किसी एक विभाग की समस्या नहीं है, इसमें रोड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन्फोर्समेंट सबकी ज़रूरत पड़ती है, तो रोडवेज का इश्यूज़ होता है, नगर निगम का इश्यू होता है, जीडीए का होता है, आरटीओ की ज़रूरत पड़ती है, तो समन्वय बहुत ज़रूरी होती है और उसके बाद लगातार उसका पर्यवेक्षण की ज़रूरत पड़ती है। तो जिलाधिकारी ने जिन्हें इस पर काफ़ी अच्छे कार्रवाइयाँ की हैं, बट हम लोग ने सोचा कि एक साथ बैठ के एक नई दिशा दिया जाए और मिलजुल कर एक नई कार्य योजना के तहत कार्रवाई करें, तो उसी तहत ये बैठक हुई थी। इसमें आप इस तरह से समझ लीजिए कि कार्यक्रम को हम लोग ने लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म तीन भागों में कार्य योजना को बनाया है। लॉन्ग टर्म में जो हमारे बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं या रोड चौड़े हो रहे हैं, रिंग रोड्स बन रहे हैं, वो एक लॉन्ग टर्म का प्लान है। जो मीडियम टर्म है उसमें बस स्टैंड्स का बाहर जाना, रोडवेज की जो बस स्टैंड है उसको बाहर लेना, उनके पेट्रोल पंप्स उनको बाहर लेना, इस तरह की योजनाएं ला रहे हैं। और शॉर्ट टर्म में जो पार्किंग व्यवस्था की है उसको इन्फोर्स करना, 4 पार्किंग स्थल इन्होंने चिन्हित किए गए हैं लेकिन लोग अभी भी इधर उधर गाड़ियाँ लगाते हैं, तो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट करना। कुछ प्रमुख चौराहे चिन्हित किए गए हैं जिसमें हम लोग का पे जेबरा लाइन और स्टॉप लाइन बनेंगे, ये नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई पीडब्ल्यूडी की कि वो इन्होंने इसको एक महीने के अंदर पूरा कर लेंगे इन प्रमुख चौराहों पर। उन चौराहों को क्लियर करने की जिम्मेदारी लोकल चौक इंचार्जों की रखी गई है, वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट ना हो, वहाँ पर गाड़ियाँ बेतरकीब ना लगे, उसके लिए सभी लोगों को चालान करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह के प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। उसमें प्रमुख निर्णय ये भी लिया गया कि एयरपोर्ट के सामने जो गाड़ियाँ लग जाती थी वो एयरपोर्ट के जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो चालान कर सकेंगे। तो एयरपोर्ट पे अब गाड़ी जो लगाएगा बेनाबाद के और पार्किंग अनऑथराइज जगह पे, तो वो लोग कहीं भी चालान हुआ करेगी। तो कई बिंदुओं पे कार्रवाई है, पर्पस ये है कि आम जनता जो ट्रैफिक से जूझ रही है उनको कुछ राहत मिले, और उस राहत को दिलाने के लिए ये योजना के तहत हम कार्रवाई करेंगे। इसमें और भी बिंदु हैं जो मैं जैसे जैसे ये कार्य योजना इम्प्लीमेंट होगी आपको बताते रहेंगे।